Myself, Dr. Swati Sharma. I am associate professor in botany in Government College, Tonk. और आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स. राइबोसोम्स जो है वो साइज में बहुत छोटे, डेंस, ग्रेन्यूलर पार्टिकल्स होते हैं जो कि आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं. राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के मिलकर के बने हुए होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पर, न्यूक्लियस की आउटर सरफेस पर, या फिर वो साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं. राइबोसोम्स को सबसे पहले पैलेड ने ऑब्जर्व किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और ये दो साइजेस में पाए जाते हैं. एक तो स्मॉलर साइजेस है जो कि प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और जिनके 70S राइबोसोम कहलाते हैं वो. और इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो होता है 2.7 × 10⁻⁶ डाल्टन. और दूसरे होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ATS कोएफिशिएंट होता है इन राइबोसोम्स में, और इनका मॉलिकुलर वेट होता है 4 × 10⁻⁶ डाल्टन. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम साइज में बहुत छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका की डायमीटर होता है 150 to 250 angstrom. दे आर पोरस पोर्स बने हुए होते हैं उनमें, और इनमें दो सब यूनिट्स पाई जाती हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल सब यूनिट पाई जाती है. जो लार्ज सब यूनिट होती है ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और दूसरी जो सब यूनिट है ये साइज में बहुत छोटी होती है, और ये कैप के समान स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है, एक बड़ी और एक छोटी सब यूनिट्स, दो सब यूनिट्स पाई जाती हैं. दीज आर सेपरेटेड बाय अ क्लेफ्ट, एक क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है इनके बीच में. जो 70S राइबोसोम है ये दो सब यूनिट्स का बना होता है, 50S और 30S सब यूनिट्स, 50S लार्जर एंड 30S स्मॉलर सब यूनिट. 50S सब यूनिट में 5S आरएनए, 23S आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है, और इसमें 16S आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है. जो 80S राइबोसोम होता है उसमें दो सब यूनिट्स होती है, 60S एंड 40S. 60S सब यूनिट जो होती है उसमें 5S राइबोसोमल आरएनए, 18S और 28S राइबोसोमल आरएनए, और 40S सब यूनिट में 18S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है. जो 60S सब यूनिट है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होने का काम करती है, उसके माध्यम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये अटैच होते हैं. दोनों ये जो सब यूनिट्स होती हैं ये आपस में जुड़ी हुई रहती हैं. ये इस पर निर्भर करता है कि मैग्नीशियम आयन कंसेंट्रेशन कितना है. अगर मैग्नीशियम आयन कंसेंट्रेशन को हम इंक्रीज कर देते हैं तो वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं, और अगर मैग्नीशियम आयन कंसेंट्रेशन लोअर होता है तो ये दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं, पृथक हो जाती हैं. इसके अलावा इसमें जो मेनली राइबोसोम्स होते हैं वो मेनली किससे मिलके बने होते हैं, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं. इसमें राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन के अलावा बहुत लिटिल अमाउंट में लिपिड्स, कुछ मेटेलिक आयंस भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, लेकिन मेन जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दे आर प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए. नाउ फंक्शन, फंक्शन जो है वो मेन फंक्शन है इनका सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. 3/4 राइबोसोमल आरएनए जो है वो इसमें राइबोसोम्स में ही पाया जाता है, और ये राइबोसोम्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होकर के एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं. थैंक यू.